सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर चैनल अल्फा ट्रेडिंग। सो यहाँ पे हम आज बात करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 5 मिनट से 10 मिनट की जो ट्रेड लेंगे हम, उस पे हमको कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। तो देखो भाई, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करो या ना करो सब आपके हाथों में। लेकिन आज आते हैं, देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आप यूट्यूब पे चले जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, गंद भरा पड़ा है, बस लिखोगे। ठीक है, लिखना क्या है, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और दुनिया भर की आपके पास मिल जाएंगे आपको नमूना, और एकदम क्या कहते हैं उसको, बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे लोगों की उपाय और राय। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसके साथ नहीं जाना बिल्कुल भी। तो अगर आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है या कुछ भी करना है, तो भाई पहले तो किसी को फॉलो करना छोड़ दो, बंद करो। मेक योर ओन स्ट्रेटजीज। क्यों? क्योंकि भाई जो बंदा स्ट्रेटजी आपको बता रहा है ना, उसने भी कहीं से सीखी होगी, और जिसने जहाँ से सीखी होगी उसने भी कहीं और से सीखी होगी, लेकिन बनाई तो किसी एक आदमी नहीं होगी वो। तो वो भाई, वो एक आदमी जिसने बनाई है, वो आप खुद बन सकते हो। अब स्ट्रेटजीज आपके पास बहुत सारी हैं, अब आपको पता है करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इंडिकेटर सेक्शन के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे 5 मिनट 10 मिनट पे जा रहे हो, तो इसको भी लॉन्ग टर्म नहीं कहते, मतलब थोड़ा मीडियम पे है ये, लेकिन उसको शॉर्ट टर्म पे ही गिनते हैं, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में हम इसको लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एलिगेटर ओपन करूँगा मैं, सबसे जो दी बेस्ट इंडिकेटर रहेगा आपके लिए, वो इसके अलावा नहीं रहने वाला है भाई। एलिगेटर आपको इतना बढ़िया मार्केट पे ट्रेंड बताएगा, आप लोगों की हेल्प करेगा मार्केट पे ट्रेड करने के लिए, और इतना सही से आप लोगों को अवेयर करवाएगा, जितना बाकी के इंडिकेटर्स के साथ आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, एलिगेटर है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे यूज़ करना है आपको, ठीक है। और देखो, अब आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम कितना लेना है आपको, मैं रिकमेंड करूँगा 5 मिनट से आप स्टार्ट रखो। अब यहाँ पे थोड़ा हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ढीला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, क्योंकि दिक्कत है अभी इंटरनेट की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो रहे हैं, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखो, अब एलिगेटर आपको क्यों सजेस्ट किया, उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे 5 मिनट का आपको ट्रेड करना ही है, जहाँ से इंडिकेशन मिल रही है, जहाँ से कटआउट हो रहा है, वहाँ से 3 से 4 मिनट तक मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। 3 से 4 मिनट तक आपको बता दिया, एकदम सही। अब आपको ट्रेड करना है 5 मिनट से 10 मिनट के बीच, तो यहाँ के लिए आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडलस्टिक आप चेंज कर लो, फिर कैंडलस्टिक अगर चेंज करोगे तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी डायरेक्शन पे ट्रेड करना है, जिस डायरेक्शन पे आपका एलिगेटर मतलब मुंह फैला के घूम रहा हो, मतलब आपको जाना ही उसी डायरेक्शन में जहाँ पे एलिगेटर खुल रहा है, ना कि इस तरीके से बंद हो रहा, उस तरीके पे नहीं जाना, जहाँ पे मार्केट खुल रहा है। और जैसे मगरमच्छ का जौ होता है, जौ समझते हो, जबड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ से खुल रहा है, ठीक है, ये एलिगेटर का जबड़ा है, यहाँ से जब खुलेगा मार्केट उसी डायरेक्शन पे रहने वाला है, जहाँ से बंद होगा मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशंस, और यहाँ पे लो जो फ्लक्चुएशंस रहती है आपकी वो हैपन होती है, और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है, समटाइम बहुत ज़्यादा लो रहती है, और इसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपका मार्केट इम्पैक्ट आप जो कहते हो वो चीज़ होती है। तो अब आते हैं अब ट्रेड पे। अब ट्रेड पे आपको लास्ट डे बहुत अच्छे से बताया हुआ है ट्रेड कैसे लेना है और किस तरीके से लेना है। मेक योर ओन स्ट्रेटजीज, याद रखना, क्योंकि अगर आप मेरी स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो उस पर भाई मेरा टाइम इन्वॉल्व रहेगा, ना कि आप लोगों ने उस स्ट्रेटजी पे काम किया है। तो भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा आप खुद से स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, वहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा, ऊपर से आप वहाँ से अर्न भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लर्न करोगे खुद से, खुद की स्ट्रेटजी पे, उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, बिलीव मी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब शिफ्ट करते हैं, जैसे करेंसी करते हैं शिफ्ट, आ जाते हैं यूरो ऑर्डर यहाँ पे। जैसे तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा दिख रहा है, एलिगेटर काफ़ी टाइम से डाउनवर्ड एक्शन पे था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट,
यहाँ से घूम रहा है ऊपर, मतलब आप यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं वो 5 से 10 मिनट की ट्रेड्स हो, वो आप जब भी मार्केट थोड़ा सा रीच आउट मतलब रीच डाउन लेगा देन आपको अपवर्ड एक्शन पे ट्रेड लेना है यहाँ पे, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऑलरेडी डाउन आ चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट धीरे धीरे, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। और आप इसको कल चेकआउट कर सकते हो यूरो एड, यहाँ पे आप आज नोट कर लो और आप कल टैली कर लेना यहाँ से ही। तो देखो यहाँ पे जैसे 5 मिनट है यहाँ पे, तो 1 मिनट पे शिफ्ट होते हैं हम, 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे यहाँ पे, और वो भी उसी बेस पे जिस बेस पे हम आपको ट्रेड बता रहे हैं। तो मैं 1 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लिया हूँ $100। तो यहाँ पे वेट करना, क्योंकि 1 मिनट पे भाई इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया यहाँ पे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है भाई इस ट्रेड का कि ये विन होगा ही होगा और आपको बताना, ये सिंपल सा है। अगर लूज हुआ तो भी इसी वीडियो में है, और विन हुआ तो भी इसी वीडियो में है। कोई भी बाकियों की तरह आप लोगों को यहाँ पे एडिटेड चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो यहाँ पे जैसो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डाउन आ चुका है, और यहाँ से आई डोंट थिंक कि अपवार्ड जाने वाला है, लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल वेट हियर। अभी भी हमारे पास 22 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, देखते हैं होता क्या है लास्ट सेकेंड तक। ये ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको क्या कहते हैं उलझन में डाले रखेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो यही हो रहा है, जहाँ से फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पे इस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, जहाँ से फ्लक्चुएशन हो रही है ठीक है वहीं पे ही स्टकिंग भी हो रही है, एंड यहाँ पे रिफंड हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको धीरे से ट्रेड करना है, और स्मॉल अमाउंट, मेरे पास काफ़ी अमाउंट है यहाँ पे लाइव अकाउंट में, इसलिए मैं बड़ी ट्रेड ले रहा हूँ। आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्मॉल ट्रेड के साथ धीरे धीरे जो है अपना ट्रेडिंग पे ध्यान दे सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास एक ही दिन में अगर $10 और एक ही दिन में आप यूज़ कर रहे हो $10, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक $10 को आप 10 दिन यूज़ करोगे और लॉस करते हैं तो आपको फ़ायदा, क्योंकि वो आपको नॉलेज देगा। एक दिन में $10 अगर लूज़ करोगे तो वो आपको सिर्फ डिप्रेशन देगा। तो यही थी देखो, और यहाँ पे जा भी रहा है सेम डायरेक्शन में मार्केट। तो यही था आज की वीडियो में, और इंडिकेटर आपको बता दिया है, आज सिर्फ ये इंडिकेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और इसको यूज़ करना ऑलरेडी भाई काफ़ी वीडियो है हमारी चैनल पे, आप देख सकते हो वहाँ पे इस पे 1 मिनट पे। तो आई होप कि आप वहाँ पे चेकआउट करके एलिगेटर अच्छे से सीख पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बी सेफ एंड बी अवेयर। We'll be right back.